सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे लखेरा फैमिली ब्लॉग चैनल पे। आज कुछ स्पेशल है क्योंकि संडे का दिन है और हमारे भाई प्रदीप आए हैं हमसे रात को मिलने। रात को ब्लॉग शूट नहीं कर पाए, थोड़ा लेट हो गए थे, तो आज है थोड़ा बाहर घूमेंगे, मॉर्निंग वॉक पे चलेंगे और थोड़ी अपनी पुरानी बातें निकालेंगे, आदान प्रदान करेंगे और फिर दिखाएंगे। एक जगह और जाना है गुड़गांव में प्रोग्राम, फिलहाल चलते हैं बाहर और मिलते हैं आपको रस्ते में। तो दोस्तों यार, घूमते घूमते हमें एक घंटा हो गया, तकरीबन 6 बजे हम निकले थे, 7 बज चुके हैं और रोड पे पहुंच चुके हैं। ये देखो, आपको मंदिर के दर्शन कराए हम, ये प्रदीप भैया के दर्शन पीछे से। Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinion, so don't waste my time then. I just been living online, my city. और ये अपना छतरपुर का मेन रोड है और सामने की साइड कुछ इस तरह का नज़ारा है। सामने कुछ लोग हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए आपको दिखाना चाहूँगा। दोस्तों बारक में हमें मिले हैं हमारे नरेश भाई, आप देख रहे हैं ये उड़ने का प्रयत्न कर रहे हैं पैरों से। क्या लगता है, उड़ जाओगे? कितना टाइम लगेगा आपको? हवा बनाना। अच्छा, हवा बना रहे हो? अभी प्रेशर बन रहा है उड़ने का, कुछ टाइम बाद देखना ये उड़ते 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 ऊपर ही आएंगे। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। कितने फुट तक चले जाते हो? दो तीन फुट। अच्छा, 2-3 फुट चले जाते हो, चलो बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। हाँ, सोचा क्या कौन सा योग करके दिखाओगे आप हमें? योग तो सारे हो जाएंगे, लेकिन अभी थोड़ा माइंड को रिलैक्स कर मुद्रा में रख के और इस एनवायरनमेंट को फील करते हुए थोड़ा फील करें और थोड़ा ध्यान लगाने को। देखो सामने बिल्कुल लोकेशन है ना, शाम को अभी दिखाएगा राजू भाई, मैं दिखाता हूँ आपको। देखो सामने की ये लोकेशन है, ये जब बांस के बने हुए ना, इसके बीच में बिल्कुल साइडों में से ऐसे निकल रहे हैं, आप देख पा रहे होंगे। मस्त लोकेशन है ये, क्या बात है। ये ना बहुत कम मिलेगी आपको इस तरह से बांस के पेड़, साउथ दिल्ली जैसी कंजेस्टेड जगह पर। ये बात तो है। खैर चलो फिर थोड़ा योगा कर ले यार, काफी लंबा सफर तय करके आए पैदल पैदल, हो जाए कपाल भाती। चालू हो चुके हैं भाई अब। तो मैं दिखाना चाहता हूँ, ये देखो पेड़ को मूव कर रहे हैं, अब इसको कहीं और लगाएंगे। और यहाँ पे चल रहा है मेट्रो का काम, ये पार्क है अपने छतरपुर का, सामने आप देख पा रहे होंगे ये मेट्रो लाइन है, मैं जूम करके दिखाता हूँ। नई मेट्रो लाइन है ना मामा? नई मेट्रो लाइन आएगी छतरपुर के लिए, जाएगी छतरपुर से फरीदाबाद की तरफ, बल्लमगढ़ फरीदाबाद उसको टच करेगी। और आप ये देखोगे पूरे पेड़ को ही ले जा रहे हैं, नष्ट नहीं करते प्रकृति में जो लगे हुए अपने पेड़ पौधे हैं उसको खराब नहीं करेंगे। ये देखो पूरा मूव कर देंगे कहीं और पौधेंगे ताकि रास्ता बन सके इधर जेसीबी के लिए। और बिल्कुल ये सामने जेसीबी वगैरह के ये मेट्रो के बोर्ड लगे बना दिया तोड़ करके, और ये रास्ते में पेड़ था तो इसको अब मूव करेंगे कहीं और लगाएंगे। ये मैंने पहली बार ही देखा, होता होगा ये नॉर्मल है चीज़ें, लेकिन मैंने फर्स्ट टाइम देखा है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है कि पेड़ वगैरह को भी नुकसान नहीं है, काफ़ी सोचते हैं। और मैं एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा, यहाँ से देखो ये गड्ढे जो हो रहे हैं, पेड़ निकाल चुके हैं इधर से। हाँ ये देखो, ये सामने आप देख पा रहे होंगे ये वाला पेड़, और इसके चारों तरफ अभी गड्ढा खोद रहे हैं और इसको भी कहीं और ले जा करके लगा देंगे, ये नहीं इसको वेस्ट करेंगे। ये अधिकतर जो रास्ते में जो पेड़ आ रहे हैं आप देख पा रहे होंगे गड्ढे हैं, इनको कहीं और लगाएंगे। सामने वो मशीनें खड़ी हैं बड़ी बड़ी, ये देखो जेसीबी और एक वो उठाने वाली। तो दोस्तों अपनी जॉगिंग तो हो चुकी है, फिर अब चलते हैं। वो कितना बड़ा पेड़ को भी बांधा हुआ जी, ये देखो, ताकि पेड़ का कोई नुकसान ना हो। सही चीज जरूरी है, नेचर के लिए जरूरी है, ऐसा नहीं है। देखो प्रदीप भाई, मेट्रो तो हर कोई इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन पेड़ को तो यार हर कोई इस्तेमाल करता है, छोटा बच्चा जानवर हर कोई यार सांस तो उसी से लेता है। ये तो लॉकडाउन में पता लगा है ना लोगों की, जो सांसों की प्रकृति में जो सांसों की ऑक्सीजन हमने सिलेंडर लोगों ने लिए हैं, लिए वो कितने कीमती थे। सही, और ये नेचर बिल्कुल फ्री दे रहा है हमें। सो गाइस,
तो तैयार हो चुके हैं, हम जाने के लिए गुड़गांव, परवीन भी तैयार हो चुकी है, बच्चों को हमने भेज दिया है मम्मी पापा के साथ, निकलेंगे बाइक से। तो बहुत जल्द प्रदीप भाई अपने चले गए, रेवाड़ी जाना था उनको, वो निकल चुके हैं। सो फिर निकलते हैं फटाफट से, लेट काफ़ी हो चुके हैं। तो दोस्तों चलने के लिए तैयार हो गए हैं, बाइक पर बैठ चुके हैं, परवीन अभी तैयारी कर रही है बैठने की, हला देगी ये सारी बाइक, बैठ गई, वजन बढ़ गया ना, मोटी हो गई इसलिए टायर भी बैठ जाता पीछे, बड़ा हरामी हो बेटा। तो चलो चला जाए फिर। सो दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं समस्तपुर गुड़गांव में, और अभी पार्टी की तैयारी चल रही है, मैं अभी ऊपर आया हुआ हूँ, और क्या करें मौसम ठीक है, गर्मी है थोड़ी, बट कुल मिला के ठीक है, मज़ा आ रहा है। अब जैसे जैसे शाम होगी तो पार्टी में और भी ज़्यादा रौनक आएगी, और भी मज़ा आएगा। परवीन है नीचे गई हुई है, बच्चे नीचे खेल रहे हैं, मैं थोड़ा ऊपर आ गया था आराम से, थोड़ा चिल मारने के लिए, रिलैक्स होने के लिए, थक गया था यार बाइक चला चला के, घर से थोड़ा दूर है, आई थिंक 18-20 किलोमीटर होगा। तो पार्टी का जैसा नज़ारा होगा ना, बढ़िया बढ़िया आपको दिखाऊंगा। और मामा जी अपने आने वाले हैं, वो मेट्रो स्टेशन पे पहुँच चुके, आई थिंक 15-20 मिनट लगे, तो आपको जल्दी उनसे मिला। तो मौसा जी कैसे हो? एक घंटा लग जाएगा, क्योंकि यार गर्मी का मौसम है, अंधेरा जल्दी होता नहीं है, टाइम तो थोड़ा लगता है अभी है। ये तो है मौसा जी। और क्या सोचा आज कैसे डांस करोगे डीजे पे? तो मौसा जी एंजॉय का मतलब क्या समझा दो थोड़ा, अगर इशारे ही काफ़ी हैं सारी चीज़ कुछ बातें। ये चेयर देख के पता लग जाएगा। हाँ आप पीछे देख पा रहे हैं चेयर लगी हुई है, और ये मंकी आ चुका है, मंकी नीचे खेल रहा था, इसने बतेरे गुब्बारे फोड़े नीचे के, बड़ा बड़ा लगा हुआ था ये। तो मौसा जी अभी मामा जी भी आने वाले हैं, ठीक है मेट्रो पर पहुँच गए। एड्रेस तो आपने सही बताया ना, सही है, गलत तो नहीं पहुँचा दोगे? देख लो कहीं उधर ही घुमा, अपने आप आ जाए। अच्छा आए हुए अपने आप आ जाए। हमारे मामा जी आ चुके हैं, कैसे हो मामा जी? बढ़िया बढ़िया हो। दोस्तों अपने मामा जी आ चुके हैं, मामा जी गर्मी में ठंडा ठंडा पानी पीते हुए। यही रात देता ठंडा है क्या मामू? ठंडा तो नहीं है, गर्म ही है, है? देखो कितने पसीने आ रहे हैं मामा जी को, चल चल के पसीने में पूरे नहा लिए, नहाने की ज़रूरत नहीं है मामा जी को। गर्मी इतनी ज़्यादा महसूस हो रही है, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, इसीलिए तो ये बड़े बड़े कूलर लगा रखे हैं। दोस्तों प्रोग्राम कुछ ऐसा है, अभी तैयारी हो रही है, और मयंक खेलते हुए बॉल के साथ इसने अधिकतर गुब्बारे फोड़ दिए हैं, और जो बच रहे उनके साथ लगा हुआ है खेलने। ये देखो मयंक की बदमाशी अभी भी चालू है। मयंक मामा जी नाश्ता लोगे? मामा जी पहले नाश्ता लेंगे, उसके बाद कुछ शुरुआत करेंगे। थोड़ी महसूस हो रही है। अरे 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 की हालत, सब रो रहे हैं, एक उधर रो रहा है, एक उधर रो रहा है, छोटे छोटे बच्चे सब रोने पे लग रहे हैं, बहुत गर्मी हो रही है। मैंने खाना खा लिया है, और मैं कितने भी खा लिया है, अन्न ने लेट कर दिया। खाने का टाइम है,
और खाना ले रहे हैं। आप मैं दिखाना चाहता हूँ, ये नान है, सब्जी है और वो मामा जी है हमारे, मामा जी एंजॉय करते हुए। और परवीन लग रही है, परवीन ने खाना पहले ही ले लिया है, इसको कोई मतलब नहीं है। मैं बाहर था इसलिए अब थोड़ा लेट आया। हाँ लेट लग रही। तो अभी भाई मैंग से मंगाए रसगुल्ले और रायता मैं ले रहा हूँ, तब तक इसको ख़त्म करते हैं और चलेंगे फिर घर पे। यार काफ़ी देर हो चुकी है और 4 बजे के आए हुए थे, 4 बजे के आए थे, 4 बजे 8:30 का टाइम हो गया, 9 बज लिए।